नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत को 15 अगस्त को ही क्यों आज़ादी मिली। अगर देखा जाए 15 अगस्त का निर्णय लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, क्योंकि वे 15 अगस्त को अपने जीवन के लिए सौभाग्यपूर्ण दिन मानते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को ही जापान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। अगर हम बात करें भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, बहरीन और रिपब्लिक ऑफ कांगो को भी 15 अगस्त की तिथि को आज़ादी मिली थी। अगर हम बात करें दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृत मिल गई थी और इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्थापना होगी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई। मोहम्मद अली जिन्ना इसके गवर्नर जनरल और लियाकत अली प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय संघ की बैठक संविधान सभा की 14 अगस्त को आधी रात को हुई। रात के 12 बजे और 15 अगस्त प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा, आधी रात को इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। एक ऐसा क्षण आता है जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने युग से नए युग से कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और जब एक राष्ट्र अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है। यह बहुत ही अच्छी बात है। इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा, उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। इसके बाद संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। 15 अगस्त को प्रातः जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई थी। अगर हम बात करें दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन का निर्णय था 15 अगस्त को ही आज़ाद करने में। अगर देखा जाए स्वतंत्रता आधी रात को ही क्यों हुई। 3 जून 1947 को यह निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दी जाएगी और भारतीय ज्योतिषियों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। उनके अनुसार यह दिन देश के अमंगल होगा, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसी दिन के लिए अड़िग थे। इसलिए ज्योतिषियों ने कहा कि स्वतंत्रता का समय 14 अगस्त 12 बजे हो, क्योंकि भारतीय मान्यता के अनुसार अगले दिन सूर्योदय से आरंभ माना जाता है, इसलिए 15 अगस्त के अशुभ दिन बच जाएगा। और अंग्रेज यह मानते हैं कि रात 12 बजे से दिन बदल जाता है और इस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन की राय को मानी जा सकेगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का जो आज़ाद करने का निर्णय था, तो लॉर्ड माउंटबेटन का था। और लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने जीवन का सौभाग्यपूर्ण दिन मानते थे और 15 अगस्त को देश की आज़ादी मिली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपको नए वीडियो पर। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।